ओके, हेलो एवरीवन। हमने आपका ज्योग्राफी का फिज़िकल एनवायरनमेंट ज्योग्राफी 11th क्लास का सेकंड चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हम आपके इंडिया के जो भी प्रोसेसेस थे, जो भी आपके फिज़िकल प्रोसेसेस थे, वो सारे डील कर रहे थे। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट पार्ट हमने किया था, वो हम अपना हिमालयाज का डिवीज़न कर रहे थे ईस्ट टू वेस्ट में, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट पासेस थे उस रीजन के, जैसे जोजीला ऑन द ग्रेट हिमालयाज, बनीहाल पीर पंजाल पे, फोटूला जास्कर पर, खारदुंगला लद्दाख रेंज पर, यहाँ आपको इमेज में काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये जो सदर्न मोस्ट पार्ट था उस रीजन का, जो भी आपके लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज़ उसमें आती है, उनको दून्स कहा जाता है, जैसे जम्मू दून, पठानकोट जून। ये जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं आपके साउथ एशिया के, बलतोरो, सियाचिन, वो सब आपको उसी रीजन में मिलते हैं। दून जो होते हैं आपके, जब रिवर्स माउंटेन से अलग होकर कुछ लेक्स फॉर्म कर लेती हैं, तो वो लेक्स जो होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, फिर उन एरियाज़ में रिवर्स आकर फिल हो जाती है, और उन्हीं ड्राइड अप लेक्स को दून्स कहा जाता है। तो ये जो दून वैलीज़ होती हैं, ये दो इंटरमिटेंट रेंजेस के बीच में होती हैं, आपके हिमालयाज और शिवालिक रेंजेस के बीच में। यहाँ आपको इमेज में काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न हिमालयाज़ की। इनको हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयाज़ भी बोलते हैं। आपके रावी रिवर जो है और काली रिवर जो है, उनके बीच में ये फ्लो करता है, मतलब चलता है। ये जो है, ये आपके इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में इसमें ड्रेन करती है। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है हिमाचल या हिमालयाज का, वो एक एक्सटेंशन है, लद्दाख कोल डेजर्ट तक चलता है, जो कि आपके लाहौल और सिप्ति का सब डिवीजन है। इसमें आपके ग्रेट हिमालयन, लेसर हिमालया, शिवालिक नॉर्थ टू साउथ में, और इसको धौलाधर भी बोलते हैं, और आपके उत्तराखंड में इसको नागटिब्बा बोलते हैं। शिवालिक और दून फॉर्मेशंस जो हैं हिमालयाज का ही पार्ट हैं। इसमें पाँच प्रयाग्स भी आते हैं, यहाँ आपको इमेज में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं कुमाऊं हिमालयाज की। सतलज और काली रिवर के बीच में फ्लो करते हैं। 320 किलोमीटर्स इसकी लेंथ होती है। कुमाऊं हिमालयाज जो होते हैं, इसके वेस्टर्न पार्ट को गढ़वाल हिमालयाज कहा जाता है, और ईस्टर्न पार्ट को कुमाऊं हिमालयाज कहा जाता है प्रॉपरली। तो जनरल एलिवेशन काफ़ी ऊँचा रहता है पंजाब हिमालयाज से। इसमें नांदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री सारे इंपॉर्टेंट पीक्स इसमें आते हैं। गंगा और यमुना जो है, वो इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं। इसमें भी आपके दून्स आती हैं, जैसे मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालयाज की। इसमें नैनीताल और भीमताल इंपॉर्टेंट लेक्स आपकी रहती हैं, यहाँ आपको इमेज में काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं नेपाल हिमालयाज की। नेपाल हिमालयाज जो हैं यह आपके 800 किलोमीटर का स्ट्रेच रहता है काली और तीस्ता रिवर्स के बीच का। जैसे तीस्ता रिवर्स फ्लो करती है, उसके बीच काली रिवर फ्लो करती है, उसके बीच का पूरा तीस्ता रीजन, तीस्ता रिवर तक पूरा ही नेपाल हिमालयाज होता है। यह आपके नेपाल हिमालयाज का ही पार्ट होता है आपका। तो टॉलेस्ट सेक्शन जो होगा इसमें हिमालयाज का, वो स्नोई सा होगा, जैसे अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें, जो कि टॉलेस्ट पीक है आपके वर्ल्ड की। यहाँ आपको इमेज में काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। सारी पीक्स इसमें आ रही है, मुस्तांग, अन्नपूरा रेंज, माउंट मनान, सारी की सारी आपकी इसमें आ रही है। यहाँ आपको इम्पॉर्टेंटली जो पीक्स हैं, वो भी आपको इसमें मैंने मार्क की हुई है। अब हम बात कर लेते हैं ईस्टर्न हिमालयाज की। इनको असम हिमालयाज भी बोलते हैं। तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर्स तक 750 का जो डिस्टेंस होता है, इस रेंजेस का रहता है। इसके बाद ये आपके सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश का रहता है। इसका जो एलिवेशन होता है हिमालयाज, नेपाल हिमालय से थोड़ा कम होता है। अब हम वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न की बात कर लेते हैं हिमालयाज की। अभी तक हम ईस्ट टू वेस्ट डिवीज़न की बात कर रहे थे, अब हम वेस्ट टू ईस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपके आते हैं ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज जो हैं, इनको आसाम हिमालयाज भी बोलते हैं। ये जो आपके आसाम रेंजेस होती हैं, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र रिवर्स तक आती है 750 किलोमीटर आसाम हिमालयाज का, और हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। इनको दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज भी आते हैं इसमें, जैसे कि आपके आपके नेपाल हिमालयाज तो होते हैं वेस्ट में, और भूटान हिमालयाज होते हैं ईस्ट में। अब ये जो आपका ये जो पार्ट होता है, छोटा बहुत है बट सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि तीस्ता जो होती है फास्ट फ्लोइंग रिवर होती है। कंचनजंगा पीक इसमें आती है, और कई सारी डीप वैलीज यहाँ पर आती है। लेप्चा ट्राइब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है, और शिवालिक फॉर्मेशन जो है उसका यहाँ एब्सेंस रहता है, और इसी वजह से यहाँ द्वार फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी की वजह से यहाँ टी गार्डन्स हैं। आप यहाँ इमेज में काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। ईस्टर्न हिमालयाज, भूटान हिमालयाज दोनों के बीच में है, फिर उधर नेपाल हिमालयाज आपका आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भूटान हिमालयाज की।
तो ये आपके अर्थ का एक सबसे ऊंचा माउंटेन रिलीफ है, जो कि आपके टाइनी कंट्री भूटान पर है। ये बीच में आता है आपके ईस्टर्न इंडिया और तिब्बतन प्लेट्यू के बीच में। तो भूटान जो है, इसकी जो रेंज रहती है 5,000 to 7,000 meters में रहती है। अगर हम इसके कैप्ड की बात करें तो स्नोई होता है और इसमें कई सारे ग्लेशियर्स आपको मिलते हैं वैलीज़ में। अब हम बात करते हैं अरुणाचल हिमालयस की। इसमें भी शिवालिक फॉर्मेशन नहीं होती। ईस्ट से लेकर आपके दीफू पास जो है ईस्ट में, वहाँ तक ये फ्लो कर चलता है। इसके डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। इसमें जो माउंटेन पीक्स हैं कांगतू और नामचा बरवा आ जाती हैं। ब्रह्मपुत्र एक डीप गॉर्ज बनाती हुई यहाँ से फ्लो करती है और नामचा बरवा को क्रॉस करती हुई जाती है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि टोपोग्राफी बहुत अच्छी है। तो इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है अरुणाचल और आसाम बॉर्डर के बीच में। यहाँ आप इस इमेज में बहुत अच्छे से देख सकते हैं किस तरीके का इसका पूरा लोकेशन है। इसमें सारे पासेज आपको गिवन हैं इमेज में कि कौन कौन से पासेज इसमें इंपॉर्टेंटली आते हैं। अब ये जो आपके हिमालयाज हैं, यहाँ आपके ख़त्म हो जाते हैं, बट इनकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है। हम बात कर चुके थे कोल्ड साइबेरियन जो विंड्स होती हैं इंडिया में एंटर करती हैं, उनको रोकती हैं, आपके रेनफॉल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जेट स्ट्रीम्स जो होती है उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देती है। पेरिनियल रिवर्स वहीं से आती है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आपको यहीं मिलेगा और मिनरल वेल्थ जो है वो भी आपको यहाँ पर ही मिलेगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन्स की। नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हिमालयाज का जो पार्ट आपका स्प्लिट होकर ख़त्म हो जाता है, तो उसमें जैसे पानी आकर टेथिस सी आकर फिल हो जाता है, तो वो जो एक इंडियन पेनिनसुला का जो एक लार्ज बेसिन बन जाता है, उसी को आप नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। ये आपका इमेज में काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो जो भी ऊपर से रिवर्स आती हैं अपने सेडिमेंट्स लेकर, वो उसमें डिपॉजिट हो जाती हैं, उसमें फिल हो जाती हैं और वहाँ पर वो एक सेंट्रल लाइन सा प्लेन बना देती हैं। नॉर्दर्न प्लेन जो होता है इंडिया का, उसमें बेसिकली तीन रिवर्स होती हैं इंपॉर्टेंट, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सभी ट्रिब्यूटरीज। अगर हम इसमें सॉइल की बात करें तो इसमें अलूवियल सॉइल होती है और एरिया 7 lakh kilometers square होता है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 2400 kilometers रहती है और विड्थ 240 to 320 kilometers रहती है। नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर का फ्लो होता है, मिट्टी अच्छी होती है, तो कल्टीवेशन वगैरह अच्छा हो जाता है, फेवरेबल कंडीशंस भी होती है, तो लोग ज़्यादा यही रहना पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ अलूवियल सॉइल आपको मिलती है, इसी वजह से मिट्टी फर्टाइल होती है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। तीनों रिवर्स जो है वो यहीं से आपकी फ्लो करती है और इसी वजह से पानी का जो अवेलेबिलिटी होती है वो भी अबंडेंस में होती है थ्रू द ईयर। रिवर्स की अगर हम बात करें तो लोअर कोर्स जो होता है वो चैनल्स में फ़्लो होकर स्ट्रीम्स के थ्रू डिपोजिशन करता है सिल्ट का, और इसी वजह से फिर वो रिवर्स जो होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। नॉर्दर्न प्लेन जो होती है आपके तीन सेक्शंस में आता है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। यहाँ आपको इमेज में काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, वन बाई वन हम सारे ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब प्लेन की। वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, इसमें जो रिवर्स हैं वो इंडस की ट्रिब्यूटरीज, इंडस नहीं फ्लो करती है पंजाब प्लेन्स में, इंडस की ट्रीज करती है, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। इसका ज़्यादा का ज़्यादा पार्ट जो है पाकिस्तान में है और पंजाब प्लेन्स में ये दोआब फ्लो करती है। एक तो आप समझते हैं कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, जो आपके वाटर बॉडीज़ का मीटिंग पॉइंट होता है, जहाँ दो वाटर बॉडीज़ मिल जाती है उसको कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। दो मिल रही है, तीन मिल रही है, इसके बाद उन दो रिवर्स, अगर कोई दो रिवर्स मिल रही है और उनके बीच का एरिया, पानी वाला नहीं, उनके बीच का एरिया जो होता है उसको दोआब बोलते हैं, जो भी एक लैंड होती है जहाँ वो मीट कर रही है। यहाँ आपको सारी रिवर्स गिवन है, इंडस की जो भी ट्रिब्यूटरीज है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम, उसके अलावा जो रिवर्स हैं वो भी यहाँ आपको गिवन हैं। तो टोटल एरिया जो है 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अगर एलिवेशन की बात करें तो 250 मीटर्स है सी लेवल से, और ये जो आपका देली अरावरी रिजेस जो हैं वो इसी की ईस्टर्न बाउंड्री जो है पंजाब हरियाणा प्लेन की वो मार्क करती है। सतलज रिवर के साउथ में आपका मालवा प्लेन आता है पंजाब में, और ये घग्गर से लेकर यमुना रिवर्स के बीच का जो पूरा एरिया है इसको हरियाणा ट्रैक्ट बोलते हैं। ये वाटर को डिवाइड कर देता है यमुना और सतलुज के रिवर्स को। इसके बाद हम बात करें गंगा प्लेन्स की, तो ये आपकी लार्जेस्ट यूनिट है ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया की। दिल्ली से कोलकाता तक, मतलब 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर, घग्गर से तीस्ता रिवर्स तक ये एक्सटेंड करती है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सारे रीजन इसी में आते हैं। इसमें सारी पेनिनसुलर रिवर्स, चंबल, बेतवा, केन, सोन सब इसमें आती है, और रिवर जो गंगा रिवर है उससे आकर ज्वाइन हो जाती है। जनरल स्लोप जो है इसका ईस्ट टू साउथ ईस्ट में रहता है।
इसमें बहुत सारी फॉर्मेशंस होती है, जैसे लेविस बनते हैं, ब्लफ्स, ऑक्सबो लेक्स, मार्शेस, रिवाइंस, आपके जो भी लैंड फॉर्म्स या वाटर फॉर्म्स होती हैं वो सारी इसी रीजन में बनती हैं। सारे रिवर्स जो हैं वो अपने कोर्स को शिफ्ट करती हुई रहती है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा फ्लड भी यही आते हैं। जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ पर कोसी रिवर की वजह से बाढ़ आती है और इसी वजह से उसको सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। यहाँ मैंने आपको इमेजेस कुछ दिखाने की कोशिश की है जो भी आपके रिवर्स हैं मेन। तो गंगा प्लेन बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइडेड है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन।